हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइल चैनल। आज मैंने ये नया सेशन स्टार्ट किया है, वो भी अलग तरीके से। इसमें क्या होगा, आपका करंट अफेयर भी क्लियर होता जाएगा और आपके जो वोकैब है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। तो पहला है यस बैंक रिवाइवल प्लान अनवील्ड। तो यस बैंक के लिए अभी आपको पता है कि यस बैंक डूब चुका था, तो उसके लिए जो अदर बैंक्स हैं उन्होंने अपनी कैपिटल दी है। तो ऐसे कौन कौन से बैंक हैं? पहली बात है ICICI बैंक है, कोटक है और एक्सिस बैंक है। ये SBI के साथ इन्होंने हैंड टू हैंड एक्सरसाइज की है कि यस बैंक को ये क्या करें, अपलिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अनवील्ड का मतलब क्या है? अनवील्ड का मतलब होता है रिवील करना। ठीक है, क्या होता है? रिवील करना। दूसरी न्यूज है, आपको पता है कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, तो दिल्ली के अंदर भी दो डेथ देखी गई हैं। एक कल हुई थी, 76 ईयर ओल्ड मैन था वो केरल के अंदर, वो मरा है। और एक डेथ ये हुई है जो 68 ईयर्स ओल्ड वुमेन थी वेस्ट दिल्ली की, वो RML के अंदर सी डाइड। तो इसमें जो दो वर्ड आए हैं वो आए हैं कि मोर स्टेट्स इन्वोक एपिडेमिक रूल। जो स्टेट ने क्या किया है, यूज कर रहा है लॉ को। इन्वोक का मतलब है लॉ का यूज़ करना, जो भी लॉ है, नियम है, उनका यूज़ करना टू अचीव समथिंग। एपिडेमिक रूल जो होते हैं, एपिडेमिक्स रूल्स क्या होते हैं कि आप कहीं भी किसी भी गैदरिंग के अंदर ना जाएं, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पर आप ना जाएं। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी डिजीज़ है जो वाइड स्प्रेड फैलती है, तो उसे बोला जाता है एपिडेमिक। इसका एक और वर्ड है पैंडेमिक, जो पी से स्टार्ट होता है, PANDEMIC, पैंडेमिक। पैंडेमिक होता है वर्ल्ड लेवल पे, लार्ज लार्ज स्केल पे, उसे बोलते हैं पैंडेमिक डिजीज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, वायरस था फ्रीज, लेट अस जॉइन हैंड्स फाइट इट टुगेदर, PM टू SAARC। तो क्या कहा है PM ने SAARC जो नेशन है उनसे कहा है कि अपने सारे लड़ाई झगड़े भूलकर हम वायरस से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वायरस था फ्रीज, जो वायरस है उसने, जो फ्रीज थे मतलब कि जितनी भी SAARC कंट्रियाँ थीं, कुछ उनके बीच में मतभेद चल रहे थे, तो उनको था का मतलब होता है बिकम फ्रेंडलियर, किसी की तरफ अच्छा व्यवहार करना। तो था का मतलब ये होता है। और दूसरा मतलब होता है था का, जब कोई एटमोसफेयर गर्म होता है तो वो बर्फ़ को क्या करता है, पिघला देता है, तो उसे बोलते हैं था। था का मतलब होता है वार्मर, वार्म। ओके, आप ये भी देख लीजिए SAARC के कौन कौन से मेंबर हैं। SAARC के अंदर पाकिस्तान है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है और भूटान है। तो ये SAARC के मेंबर हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि नोएडा के अंदर एक कर्मचारी था जो वायरस पीड़ित था, वो पाया गया है। तो उसकी जितनी फैक्ट्री के पर्सन है, 707 वर्कर को क्या कर दिया गया है, क्वारंटीन कर दिया गया है। क्वारंटीन क्या होता है? दो वर्ड है, क्वारंटीन और आइसोलेटेड। क्वारंटीन वो होता है अगर जो आपको सस्पेक्ट है कि ये हो सकता है इससे पीड़ित, तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन वो उस डिजीज से, अभी वो डिजीज़ उसको नहीं हुई है, तो उसे क्वारंटीन किया जाता है कि देखा जाए कि इसको कहीं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कहीं ये डिजीज़ डेवलप तो नहीं हो जाएगी, तो इसलिए उसको क्वारंटीन किया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है जब किसी को डिजीज़ हो जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है पर्सन को बाकी पर्सन से, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। इस आइसोलेटेड का मतलब होता है जब किसी को डिजीज़ हो जाती है, क्वारंटीन का मतलब होता है जब उसे संभावना हो सकती है कि उनको हो सकता है डिजीज़, तो उसे बोलते हैं क्वारंटीन। और नेक्स्ट है, जो 3 PFI मेंबर्स थे उनको बेल मिल गई है। इनका PFI मेंबर्स कौन थे? ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे। ये बताया गया था कि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं उनको भड़काने का काम किया था, तो ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, यहाँ पे ऑफिसर जो हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन का काम लिया था, उनको पुल अप किया। पुल अप का मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना, पुल्ड अप मतलब स्कोल्ड, डांटना। नेक्स्ट है, आप ये सेंटेंस पढ़िए, एमिट बंट वॉल्स फर्नीचर, स्टूडेंट टेक एग्ज़ाम एट रियोट हिट स्कूल। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे जहाँ पर दंगे हुए हैं, तो स्टूडेंट टेक आ रहा है यहाँ पे, ना कि गिव। तो आप ये याद रखें, यहाँ पर एरर आती है SSC के अंदर, हमेशा टेक द एग्ज़ाम आता है ना कि गिव एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नो लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है
नो स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर नो लेनियंसी का मतलब है कि हम बिल्कुल भी सावधान, तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर जो ये आता कि लेनियंसी, तो लेनियंसी का मतलब है कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा रहा है नो लेनियंसी का मतलब है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। तो कोर्ट ने क्या किया है, कुलदीप जो सेंगर था, जो उन्नाव रेप केस था, उसके अंदर इसको 10 साल की जेल कर दी है और 10 लाख रुपए फाइन लगाया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जो यशवंत सिन्हा है, उन्होंने हिट आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, हिट आउट एट द मर्जर ऑफ रेलवे कैडर। तो यहाँ पे यशवंत सिन्हा जो थे वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि जो कैडर हैं रेलवेज़ के, उनको वो अमालगमेट कर रहे हैं। अमालगमेट का मतलब क्या होता है कि जो जब दो न्यू ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन। दो न्यू ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में स्थानांतरित हो जाना, उसे अमालगमेशन बोलते हैं। तो ये किस चीज़ का अमालगमेशन कर रहे हैं, जो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड ये किया था कि जो मर्ज करेंगे 5 जो इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस को और 3 सिविल सर्विस को इंटू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वर्ड है, तो यहाँ पर है कैचिंग 22। कैचिंग 22 सिचुएशन होती क्या है, कैचिंग 22 सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जब तक आप पहली चीज़ को नहीं पूरा कर पाओगे तो आप दूसरी चीज़ को नहीं सक्सेसफुल पूरा कर सकते। तो इसका मतलब है कि यू नीड टू डू वन थिंग इन ऑर्डर टू डू द सेकेंड थिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो ज्योतिराव सिंधे था, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ये वैसे कोई भी ना तो MLA ना ही MP हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, पार्टी बदल ली, ये कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। तो इसके ऊपर ये न्यूज़ बहुत चर्चा में रही थी। तो यही आपका लास्ट लेसन। तो